मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्ट अवर चैप्टर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, पार्ट थर्ड. ओके स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक टुडे स्टार्ट फ्रॉम एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड. एनिमल्स जिनको हम लोग सोर्स ऑफ फूड में यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं. एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट, एग एंड हनी. दैट्स वी आर कॉल्ड एनिमल्स सोर्स ऑफ फूड. दोज एनिमल्स, इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दोज एनिमल्स हुज प्रोवाइड एज मिल्क, मीट, एग एंड हनी, दैट्स वी आर कॉल्ड सोर्स ऑफ फूड एनिमल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें हम लोगों के टाइप्स होते हैं, हमें कौन कौन से एनिमल्स मिल्क प्रोवाइड करते हैं. विच इज एनिमल्स प्रोवाइड अस मीट एंड विच एनिमल्स इज प्रोवाइड अस बोथ मीट एंड एग एंड मिल्क. क्लियर स्टूडेंट्स? हियर मिल्क यार्डिंग एनिमल्स, मिल्क यार्डिंग एनी जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं हमें, वो कौन से एनिमल्स है? काव एंड बफेलो. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, मीट यार्डिंग एनिमल्स, जो मीट प्रोवाइड करते हैं हमें, वो कौन से एनिमल्स हैं? शीप एंड गॉट. इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क. ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? पोल्ट्री एनिमल्स, दोज एनिमल्स हु इज प्रोवाइड एज मीट एंड एग, दैट्स वी आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स. एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट एंड एग, दैट्स वी आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? जो हमें दोनों प्रोवाइड करते हैं, क्या? मीट एंड एग. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अवर टॉपिक इज फिश. फिश इज ए मेजर सोर्स ऑफ रिच इन एनिमल प्रोटीन्स. ये क्या है? फिश एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या होता है, इनमें बहुत हाई रिच प्रोटीन होता है जो इजीली हमारे हमारे जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है. प्रोटीन इज अ मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड. क्लियर स्टूडेंट? अब फिश के टाइप्स होते हैं. फिश कहाँ कम, इनकी लीव कहाँ रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? इनमें टाइप्स हमारे हो जाएंगे. फ्रेश वाटर में कौन सी फिश रहती है? फ्रेश वाटर में कौन सी फिश रहती है? कतला एंड कतला, बार्बस एंड लेबियो. ये थ्री टाइप्स है जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, सी वाटर फिश. सी वाटर में कौन कौन सी लीव फिश करती है, वो हमारे टाइप्स हो जाएंगे. हिल्सा, कैटफिश एंड बॉम्बे डक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सी वाटर. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसी को हम लोग डिफाइंस में चेंज कर लेंगे. रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज नॉन एज पिशिकल्चर. मीन्स रियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो फिश का रियरिंग एंड मैनेजमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं पिसीकल्चर कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो हनी बी होगा. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और पॉइंट इज हनी बी. हनी बी क्या होता है? इंसेक्ट विच प्रोवाइड एज हनी आर नॉन एज ए हनी बी. जो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं उनको क्या कहते हैं? हनी बी. द हनी बी कलेक्ट नेक्टर, स्वीट नेक्टर किसको बोलते हैं? जो स्वीट जो जूस होता है ना उसको बोलते हैं. ये स्वीट जूस कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम फ्लावर. इट कन्वर्ट इन टू द हनी एंड स्टोर. ये क्या करते हैं? वो जूस को क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं. किस में? हनी में कन्वर्ट कर देते हैं. और इसको स्टोर कहाँ करते हैं? नेस्ट में स्टोर करते हैं. विच इज नॉन एज ए बिहेव, यानी जो जहाँ पर ये स्टोर करते हैं उस जूस को, जो कन्वर्ट होने के बाद में हनी में चेंज हो जाते हैं, वो कौन सी जगह होती है? बिहेव बोलते हैं उसको. ए बिहेव एज ए स्मॉल कंपार्टमेंट, जिसको कॉम बोलते हैं. ये जो आपके स्मॉल छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट होते हैं इनके, लाइक दिस, जिनमें क्या करते हैं?
इनको जहाँ पर हनी सॉरी ये बीज रहती है। द शेप ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कॉम्ब डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बीज। इनका जो कॉम्ब होते हैं, जो कंपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे हनी बी रहती है, इनका जो शेप और साइज होता है एक्चुअल में स्टूडेंट्स, वो इन पर हनी बी पे ही डिपेंड करता है कि उनकी साइज कितना है, उनकी शेप कैसी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें डायग्राम में देखो, यहाँ पे वर्कर बी फिलिंग सेल विथ पोलन। जो वर्कर बीज होती हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये इनका वर्क होता है, दे आर कलेक्ट फ्लावर जूस फ्रॉम फ्लावर और स्टोर करते हैं कहाँ पे, नेस्ट में, और उनको कन्वर्ट करते हैं किस में, हनी के अंदर। क्वीन बी ले एग्स। क्वीन बी क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ये अंडे जो एग्स होती हैं वो देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसमें क्वीन बी, इन क्वीन बी का जो सेल होता है जो वो अलग होता है कंपेयर टू अदर बी से। क्लियर स्टूडेंट्स? द पैलेस यूज फॉर द रियरिंग एंड हनी बीज इज अ कॉल अपेरी। यानी मीन्स जहाँ पे हनी बीज जो पैलेस यूज़ करती है हनी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, अपेरी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट इज फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। यानी लॉट्स ऑफ पीपल हैव अ डिफरेंट हैबिट्स ऑफ फूड, लाइक बिहार राइस, चपाती, दाल एंड पापड़, ये एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बिहार। बिहार के जो लोग होते हैं उनकी जो हैबिट्स होती है वो मोस्टली जो क्या खाते हैं, राइस, चपाती, दाल एंड पापड़। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की जो पीपल्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है कंपेयर टू बिहार, उनमें राइस, ड्राई वेजिटेबल्स, उपमा, डोसा एट्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड हमारा पॉइंट है गुजरात। गुजरात के जो पीपल्स होते हैं उनकी क्या हैबिट्स है फूड की, चपाती, राइस, दाल, लस्सी, ढोकला, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गुजरात की जो पीपल्स होती हैं उनकी कौन कौन सी हैबिट्स होती है। नेक्स्ट पंजाब की जो पीपल होते हैं उनकी कौन कौन सी हैबिट्स होती है फूड की, वो है रोटी, पराठा, मिसी रोटी, बटर, लस्सी एट्सेट्रा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्या होती है, ये जो पंजाब के पीपल होते हैं उनकी दिस हैबिट्स होती हैं फूड की। राजस्थान बाजरा, दलिया, रोटी, दाल, कचौरी, राबड़ी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान की जो पीपल्स होती हैं उनकी हैबिट्स होती है। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से ये पता, वी नो दैट, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, लॉट्स ऑफ स्टेट्स हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फूड हैबिटेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट स्टेप ओवर इज सम स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। कुछ स्टेप्स हैं जिनसे हम लोग जो वेस्टेज होता है उसको हम लोग रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं स्टूडेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज फूड दैट प्रोड्यूस शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड में मतलब क्या होता है, ख़राब नहीं होने देना। यानी जो हम लोग खाना बनाते हैं उसको ख़राब नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईट ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड। ईट ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड विच इज रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी। मीन्स हमें एक्स्ट्रा भी नहीं खाना चाहिए, हमें कम भी नहीं खाना चाहिए। हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही हमें क्या ईट करना चाहिए फूड को। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट इज ओवर नॉट लीव फूड अनईटन इन अवर प्लेट्स। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा खाना प्लेट्स में ले लेते हैं, बट बहुत उसमें एक्स्ट्रा जो छोड़ देते हैं, अनईटन जो फूड होता है उसको छोड़ देते हैं प्लेट्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड वेस्टेज होता है। क्लियर स्टूडेंट्स?
यहाँ से हमारा ये थ्री पॉइंट्स से सम स्टेप जो अवॉइड कर सकते हैं वेस्टेज को। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर क्लियर होता है, कंप्लीट हो गया। अब इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं नोटबुक पे, बुक पे, किसी कैसे भी मैं आपको मैं सेंड करूँगा। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।